संजय दत्त की प्रस्थानम का ऑडियंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे और अब ऑडियंस का वेट खत्म हो चुका है क्योंकि आज यानी कि 20 सितंबर को प्रस्थानम सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म तेलुगु फिल्म प्रस्थानम का रीमेक है जिसका डायरेक्शन देव कट्टा ने किया है और संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में आपको संजय दत्त के अलावा मनीषा कोइराला, जेकी श्रॉफ, चंकी पांडे, अली फजल और अमायरा दस्तूर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। तो हम आपको बताते हैं प्रस्थानम की पूरी कहानी। फिल्म में संजय दत्त, एमएलए बलदेव प्रताप सिंह, अली फजल आयुष, सत्यजीत दुबे विवान और मनीषा कोइराला सरोज की भूमिका निभा रहे हैं और फिल्म की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश की बताई गई है। यहाँ के बल्लीपुर के एमएलए बलदेव सिंह को अपने सौतेले बेटे आयुष का पूरा समर्थन हासिल है, इसलिए आयुष को ही राजनीतिक वारिस माना जाता है क्योंकि उसका सौतेला भाई विवान स्वभाव से बेहद बिगड़ेल और हिंसक लड़का है। इन तीनों की जिंदगी बलदेव सिंह की पत्नी सरोज से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर पूरा परिवार एक राजनीतिक उथल पुथल में उलझा हुआ दिखाया गया है। फिल्म के पहले हाफ में सारे किरदारों से रूबरू करवाया गया है लेकिन सेकंड हाफ में होने वाला सस्पेंस आपको आगे फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देगा। फिल्म में दिए गए गाने फिल्म को थोड़ा स्लो जरूर करते हैं लेकिन पूरी फिल्म में संजय दत्त मेन रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं अली फजल का किरदार भी दमदार नजर आ रहा है। वहीं फिल्म में आपको जैकी श्रॉफ भी देखने को मिलेंगे और विलेन के रोल में शक्ति कपूर भी दमदार दिख रहे हैं। कहा जाए तो पूरी फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधे रखने के लिए काफी अच्छी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।